नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा छः की प्रश्नावली 4.1 लगा रहे हैं, कक्षा छः की एनसीईआरटी। दो प्रश्न दोस्तों हमने देखे, आज तीसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। कह रहा है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये है दोस्तों संलग्न आकृति, क्या नाम लिखना है? ए, रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित। बिंदु ई दोस्तों, ये है बिंदु ई, बिंदु ई ए रहा, ए कर रहे हैं बिंदु ई। तो रेखाएं कौन सी हैं दोस्तों? एक ये वाली रेखा, ये वाली दोस्तों, ये वाली रेखा देख रहे हैं, ये वाली रेखा है एक, और एक है रेखा ये वाली, यहां से जा रही। ये दो रेखाएं जो है दोस्तों, ये बिंदु ई से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिंदु ई से। तो रेखाओं के नाम क्या है दोस्तों, लिख सकते हैं। एक रेखा हो गई दोस्तों, एक रेखा हो गई ये वाली, कौन सी? इसको हम ए बी भी कह सकते हैं, ए बी, ए डी भी कह सकते हैं दोस्तों, और ए ई भी कह सकते हैं इस रेखा को। सभी एक ही रेखा के नाम है इस वाली के, ये जो ऐसी लंबी वाली है जो ये वाली, ए से लेके ई तक। और इसके क्या नाम हो सकते हैं दोस्तों? इसको हम बी डी भी कह सकते हैं। और इसके क्या नाम हो सकते हैं दोस्तों? इस बी ई भी कह सकते हैं, बी ई भी कह सकते हैं दोस्तों। अभी हम बाई से दाई ओर जा रहे हैं सिर्फ, और इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, दाई ओर से लेके बाई ओर अब जा आ जाएंगे तो ई डी और ई बी, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। एक और इसका नाम हो सकता है डी ई। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ हम बाई से दाई ओर गए हैं तो हम इतने सारे नाम मिल गए। इतने ही नाम आपको दाई से बाई ओर जाने में भी मिलेंगे, हम बाई ओर ही जाते हैं अभी फिलहाल। एक रेखा ये हो गई जिसमें बिंदु ई है, बिंदु ई, ये वो रेखा है जिसमें बिंदु ई है। दूसरी रेखा कौन सी? दूसरी रेखा कौन सी? ये वाली, ऐसी वाली, क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका नाम हो सकता है ई एफ, ई एफ, या फिर एफ ई, तो ही इसके नाम है। बस इसके बस दो ही नाम है इस वाली रेखा के दोस्तों। ओ बिंदु यहाँ पे है, ओ नहीं है दोस्तों इसमें, ई और एफ ई है इस रेखा में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे ए का आंसर। आइए देखते हैं दूसरा, दूसरे में क्या कह रहा है। कह रहा है ए से होकर जाने वाली रेखा, ए कहाँ पे है ये? तो ए से होकर जाने वाली रेखा दोस्तों ये वाली है, कौन सी है? ये वाली रेखा। इस रेखा का दोस्तों क्या नाम है? इस रेखा का नाम ये रहा, ए बी बोलो इसका नाम, या फिर ए डी बोलो, या ए ई, या बी डी, बी डी, कोई भी नाम बोलो, ये हो दोस्तों, ये जो हो गई ये एक ही रेखा का नाम है, एक ही रेखा के अलग अलग नाम है, आप कोई भी नाम लिखिए। ये हो गया बी का उत्तर, बी का उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सी। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ कहाँ है दोस्तों? इसमें आप देखें, ओ ये रहा दोस्तों, ये है ओ बिंदु, है ना? कौन सी रेखा पे स्थित है वो? ये वाली, ये जो रेखा जा रही है ऐसे करके, ऐसे ये रेखा है जो ये है, इस पे ओ बिंदु स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ बी बिंदु, यहाँ सी बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो इस रेखा का क्या नाम हो सकता है? इस रेखा को हम नाम लिख सकते हैं सी बी, या फिर सी ओ, या फिर बी सी, या इसके उल्टे भी नाम हो सकते हैं इसके, बी सी जो हमने लिखे हैं इसी के उल्टे, ओ सी, सी बी। ठीक है दोस्तों, ये आपके उत्तर हो गए। कोई सा भी आप एक लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, परंतु इतने सारे इसके लिखने के तरीके हैं इस रेखा को, ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। यहाँ पे और अगला प्रश्न है दोस्तों, डी। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, युग्म का मतलब होता है दोस्तों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे जोड़े बताएं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी दोस्तों? ये दोनों आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोस्तों, है ना? कौन कौन से? ये दोनों, ये वाली और ये वाली, है ना दोस्तों? ये आपका हो गया डी का उत्तर।
हो गया डी का एक। ये कोई से भी आप निकली, हम मान लीजिए हम इसको ए बी लिख देते हैं इस रेखा को, ए बी। ए बी से हम वही बता रहे हैं दोस्तों, ए बी से हम पूरा ही बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो समूह है, कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं, हम मान लीजिए ए बी नाम लिखते हैं। और दूसरी रेखा कौन सी जो प्रतिच्छेदी है, ये वाली। ए बी के साथ कौन सी प्रतिच्छेदी कर रही है, ये वाली सी बी वाली, सी बी ओ, सी बी लिख देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम सी बी रख देते हैं, पहला ही ले लेते हैं फिर। इस वाले हम रेखा समूह की बात कर रहे हैं, इसमें रेखा के अलग अलग नाम लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों, एक यहाँ पे भी प्रतिच्छेदी है, ये दोनों भी आपस में प्रतिच्छेदी है, देख रहे हैं ये दोनों, ये दोनों भी आपस में प्रतिच्छेदी। इनके क्या नाम है दोस्तों, एक का नाम मान लेते हैं हम लोग एफ ई, एफ ई नाम मान लेते हैं दोस्तों। इस वाले समूह की बात कर रहे हैं, इसके दो ही नाम है, ई एफ बोलो या एफ ई बोलो, एफ ई। और इस वाले रेखा के तो बहुत सारे नाम है, ये वाले हम एक ही नाम लिख देते हैं ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों हैं आपस में प्रतिच्छेदी हैं, एक तो कॉमन है इसमें से ए बी वाली, ए बी वाली तो यही रेखा है, दो और रेखाएं हैं जो आपस में, ये दोनों ए बी के साथ, ए बी के साथ ये भी प्रतिच्छेदित कर रही है, ए बी के साथ ये भी प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको मजा आया होगा रेखाओं और रेखाखंडों के बारे में जान के, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में भी हमने जाना। धन्यवाद दोस्तों।